हेलो गाइस, हमारे सभी वीडियोस आप अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और वहां भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप एंड यू आर वॉचिंग इंडियन हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्विज एट गुरुकुल हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में हैं और किस टाइप से क्वेश्चन हैं, चार ऑप्शन के साथ, और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन हैं और संभावित हैं ये क्वेश्चन आने वाले एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम के लिए, और साथ ही उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से हम थोड़ा सा मोटिवेट रहते हैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए, जिससे कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा सके। तो वीडियो लाइक करना आपके लिए बनता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रही हैं और मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा की गई थी, तो सही आंसर होगा इसका वैशाली में। कहां पर की गई थी? वैशाली में। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध का किसके सिक्कों द्वारा अंकन हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन हम सीधे राइट आंसर पर जाएंगे और राइट आंसर हो जाता है कनिष्क। क्लियर। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी है? ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सी नदी है? तो वह हो जाती है कुंभा और क्रमु नदी। अफगानिस्तान के साथ आर्यों का ऋग्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है, इन दो नदियों का, कुंभा और क्रमु। क्लियर, ऋग्वेदिक काल से संबंधित क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी, श्रावस्ती नगर का नाम आपने सुना होगा, श्रावस्ती नगर की आकृति थी, तो वो आकृति थी अर्धचंद्राकार, कुछ इस शेप में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि सूत्रात्विक किस धर्म का संप्रदाय है, तो यह हो जाता है बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है सौत्रांतिक। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? और वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे, हेमचंद, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा जय सिंह सिद्ध राज। क्लियर। नेक्स्ट है कि सुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? सुंग राजवंश का संस्थापक था भागभद्र। क्लियर। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद की रचना किसने की है? गीत गोविंद इंपोर्टेंट है, काफी पूछा जाता है
आपको पता भी होगा तो ये रचना की थी जयदेव ने, गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई। नेक्स्ट है कि औरंगजेब कौन सा वाद्यंत्र बजाता था, वाद्यंत्र बजाने में निपुण था औरंगजेब, और कौन सा वाद्यंत्र बजाता था, वो था वीणा। ठीक है, वीणा वाद्यंत्र बजाने में निपुण था औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी, इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था इल्तुतमिश ने, इक्ता व्यवस्था को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। क्या होता था इक्ता व्यवस्था में कि जो भी इनकी राज दरबार में सिपा सलार वगैरह होते थे उनको नगद वेतन की जगह भूमि प्रदान कर दी जाती थी, उनको कुछ जमीन का हिस्सा प्रदान कर दिया जाता था। तो ये थी इक्ता व्यवस्था जो कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, मतलब उन्हें पूरे राजपाट में कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाएगा, इस तरह से वो ये परंपरा उन्होंने शुरू की थी। आगे है कि आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं, तो ये बने हुए हैं संगमरमर पत्थर से। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है, क्लियर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है और वो संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया, राणा कुंभा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान राज्य पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है, और उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम हुए, द्वितीय हुए और तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, और मूल नाम है पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे सबसे पहली बार जेल गए थे। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा की गई, लेकिन किसके शासनकाल में, उस समय शासन किसका चल रहा था, वो था सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, क्लियर, जिसने आगरा शहर की स्थापना भी की थी, जानते होंगे आप आगरा शहर को जो बसाया था, आगरा शहर की स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने ही की थी। और बात करें तो कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की मरम्मत से संबंधित काम भी सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, वह गवर्नर जनरल जिसे दास प्रथा समाप्त की, दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा जो उस समय राजा महाराजों के यहाँ दास के रूप में लोगों को रखा जाता था, तो वो प्रथा चल रही थी, उसको पूर्णतः समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल हुए। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था लखनऊ, लखनऊ में, क्लियर। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन चल रहा था ठीक है 1922 में, तो उसे वापस क्यों लिया गया था, तो उसको पीछे जो मेन कारण था वो था चौरा चोरी, जो गोरखपुर के पास एक जगह है चौरा चोरी, वहाँ पर हिंसा हो गई थी और वहाँ पर एक पुलिस चौकी को पूरी तरह से फूंक दिया गया था, तो उसी कारण से, उसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसे वापस ले लिया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के समय भारत के बाहर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, ब्रिटिश शासन के समय भारत के बाहर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, तो ऐसे थे महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप जिन्होंने अपनी खुद की सरकार, स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पर, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस को मनाया। ठीक, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, वो मनाया था 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था।
फिर आ जाते हैं कि आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था, तो वो थे अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। क्लियर। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। इनको अंग्रेज गवर्नर को, ठीक है, औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करवा दिया गया था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, और वह तो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता हुई थी, तो ये हुई थी, और ये इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध, और ये हुई थी 17 जून, डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है, 1757 में हुई थी, जून 1757 में हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में पकड़ बनाने की सबसे पहली निर्णायक सैन्य सफलता थी, ठीक, तो ये आप ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी की लड़ाई को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, 1857 की लड़ाई को पहली स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो थे डॉक्टर आर सी मजूमदार। कौन थे? डॉक्टर आर सी मजूमदार, ठीक। तो गाइज ये हो जाते हैं आपके 25 MCQ क्यूज वाले क्वेश्चन, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी मैंने आपको करा दिए हैं। इसी तरह की वीडियो हम, काम की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपके आने वाले SSC CGL CBSE HSL और सभी स्टेट लेवल एग्जाम, यूपी पुलिस, डीपी पुलिस, या फिर पटवारी एग्जाम है, या रेलवे का ग्रुप डी LP एग्जाम है, जहां भी GK के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से फ़ायदा ये रहेगा, हम थोड़ा से मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा मटेरियल और अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम में दिए गए लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे हम वहाँ पर PDF अपलोड करते हैं, तो सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।